ये जो आप देख रहे हैं, ये दुर्गापुर का एक्सटेंशन काउंटर है, दुर्गापुर साई होंडा लादवा सेंटर पे। तो जो भी अगर लोकल सब्सक्राइबर जो मेरे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल के नाम बोल के यहाँ पे आके बाइक परचेज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे अभी BS6 में मैक्सिमम बाइकें अवेलेबल है, तो अभी हम चलते हैं शोरूम के अंदर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। तो दोस्तों, आज हमारे पास है होंडा की हॉर्नेट 2 जो BS6 मॉडल में है, FI इंजन के साथ है। तो आज हम इस बाइक के बारे में सारा डिटेल्स में बात करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और इसके इंजन कितना है, टॉर्क कितना है और ये जो इंडिकेटर वगैरह है सारा बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इसमें आपको टायर के साइज वगैरह और भी क्या क्या न्यू चेंजेस हुए हैं दिखाएंगे। तो आप एक बार पहले बाइक को पूरे चारों तरफ से देख लीजिए, एक बार वर्क अराउंड को देख लीजिए। मैं आपको एक बार वर्क अराउंड दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस बाइक के सारे डिटेल्स फीचर्स के बारे में आपको एक एक करके दिखाऊँगा। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे होंडा का ये लोगो दिया हुआ है। फ्रंट से अभी आपको दिखा देता हूँ, फुली LED है। ये जो देख रहे हैं ये रोबोटिक में दिया गया है और यहाँ पे भी एक LED, इसमें भी दो LED रहेंगे जो हाई बीम लो बीम का काम करते हैं। और जो ये आप इंडिकेटर देख रहे हैं, इसमें भी LED और नया डिज़ाइन है और ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और आप इसको अगर थोड़ा दूर से मैं कैमरे से करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसका जो फेस है हेडलाइट का, वो एक फेस की तरह लग रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रोबोटिक लुक दिया है। ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ये की ऑन करने पे सिर्फ DRL जलेगा, इसका जो LED ये या ये वाला, ये दोनों नहीं, ये सिर्फ DRL का ही लाइट ऑन होगा। देखिए DRL का लाइट भी काफ़ी अच्छा है, जो अगर आपकी बाइक खड़ी रहती है की ऑन में तो वो दूर से भी कोई अगर आ रहा है तो उसको DRL दिखाई देगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि बाइक है। तो ये दो DRL है और ये लो बीम का है और ये हाई बीम का लाइट है। तो इसका वाइट लाइट है और काफ़ी ब्राइटनेस वाला लाइट है, जो काफ़ी पावरफुल लाइट आपको रोड पे देने वाले हैं। तो नाइट राइड में भी आप राइड अगर करते हैं बाइक को तो काफ़ी अच्छा लाइट आपको मिलने वाला है। और अब बैक की बात करें तो टेल लैंप में भी आपको, तो आपको बैक में भी आपको LED देखने को मिलेगा। जो टेल लैंप है ये भी X टाइप का दिया हुआ है, जो हॉर्नेट में पहले भी सेम रहता था। तो इसमें भी आपको LED देखने को मिलेगा और बैक में भी आपको सेम वही LED देखने को मिलेगा। का मतलब ये हो गया कि आपको ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा मिलेगा और भी प्रीमियम लुक देता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको टेल लैंप इस टाइप का है और यहाँ पे आपको होंडा का लोगो भी देखने को मिलेगा और ये हो गया आपका नंबर प्लेट का। तो लुक वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है। एयर व्यू जो मिरर है लुक वाइज भी सिंपल है, पर आपको इसमें वाइब्रेशन फील नहीं होगा, ये मिरर से आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो अभी हम पहले कंसोल आप देख लीजिए, एक बार आपको कंसोल मीटर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी मैक्सिमम बाइकों में आ रहा है हेजार्ड लाइट, आपको इसमें हॉर्नेट 2.1 में भी देखने को मिलेगा। आप ये देख रहे हैं एक यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा और यहाँ पे भी, इसका मतलब ये हो गया कि ये हेजार्ड लाइट आपको इस बाइक में दिया गया है। मैं आपको सामने से भी एक बार दिखा दे रहा हूँ,
देखिए ये इंडिकेटर भी जल रहा है, ये भी इंडिकेटर जल रहा है, और बैक का भी आप देखेंगे तो बैक में भी चारों इंडिकेटर एक साथ काम कर रहा है। तो आपको इसमें आफ्टर मार्केट आपको हैजार्ड लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपको इसमें हैजार्ड लाइट का स्विच भी देती है, मैं आपको स्विच भी दिखा देता हूँ। इनबिल्ड आपको इसमें मिलेगा। तो ये है हैजार्ड लाइट का स्विच, और यहाँ भी देखिए ये ऑन है, मैं इसको अभी ऑफ करूँगा। तो देखिए यहाँ से भी ये सारा ऑफ हो गया। तो ये आपका हैजार्ड लाइट का स्विच हो गया, और ये हो गया आपका इंजन किल स्विच, और ये आपका सेल्फ स्टार्ट का हो गया है। ये आपका यहाँ पे देखेंगे पास स्विच भी है, अपर डिपर और इंडिकेटर हॉर्न। तो ये आपको ये सारे मिलेंगे। आपको नया इसमें ये मिल रहा है कि आपको हैजार्ड लाइट आफ्टर स्टॉक नहीं लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनबिल्ड है, कंपनी का स्टॉक ट्रस्ट कर सकते हैं कि अच्छा ही होगा। तो होंडा ने इस पर अच्छा काम किया है, जैसा कि हैजार्ड लाइट दे दिया अभी यंगस्टर को। आफ्टर मार्केट बहुत सारे है, शौक होते हैं कि हैजार्ड लाइट लगाए, तो आप होंडा ने ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाया। और आपको मैं अब कंसोल के बारे में दिखा दूँ फुल डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम का है, ये आपका किलोमीटर का रहेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर, इसमें टाइम का भी है। ये आपका फ्यूल इंडिकेटर, ये गियर इंडिकेटर, यहाँ पे आपको एबीएस का लाइट, न्यूटन और यहाँ एफआई। तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि आपको हेडलाइट का भी साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑन करने पे ये लाइट जल रहा है, ये एफआई का लाइट है। तो ये सारा फुल डिटेल्स आपको इसके कंसोल में देखने को मिल जाएगा। जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, बेसिक आपको नीड होता है, वो सारा आपको इसमें दिया गया है। तो अब हम एक बार इसके साउंड को सुना देते हैं, कंसोल का हो गया। बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं एक बार इसके बाइक के साउंड को सुना देता हूँ। का एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं, वह यहाँ पे फुट रेस्ट भी मिलेगा, और यहाँ पे एक हुक टाइप का आया भी है, इसको आप मल्टी यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपको इस बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि HET का BS6 वेरिएंट में ये इंजन है, और यहाँ पे आपको 2.0 का लोगो भी देखने को मिलेगा, और पेट्रोल टैंक पे आपको हॉर्नेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे होंडा का लोगो। तो आपको इसमें 184 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 8,500 आरपीएम पे 17 पीएस का पावर जनरेट करता है, और 6,000 आरपीएम पे 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। BS6 में है 4-stroke SI इंजन आपको देखने को मिलेगा। इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो आपको इसमें 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, और आपको इंजन के सामने मडगार्ड भी देखने को मिलेगा, जो कि इंजन को सेफ्टी देता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रंट के सोकर्स की। तो आपको इसमें फ्रंट में USD तो देखने को मिलेगा, जो कि येलो में है, काफ़ी प्रीमियम है, जो कि आपको डोमिनार वगैरह या KTM वगैरह की बाइक में देखने को मिलता था। होंडा ने अभी हॉर्नेट में भी आपको USD वर्क दिया है, जो कि आपको राइडिंग में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील होगा। आपको गड्ढे वगैरह में उतना गड्ढा का जो जर्क होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो कलर है ये काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी मोटे भी है, तो ये काफ़ी हार्ड और प्रीमियम बनाया गया है। तो आपको इसमें इस बाइक का बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बैक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि 5x एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इसके फ्रंट में 276 mm का सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा, और अगर बैक की बात की जाए इसके बैक में 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और अगर टायर की बात की जाए बैक में MRF के 140x70x17 सेक्शन में आपको इसके टायर देखने को मिलेंगे। काफ़ी वाइड इसका टायर बनाया गया है, जो आपको ब्रेकिंग में और राइडिंग में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल भी देगा, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। अभी फेट टायर जो होते हैं उसका क्रेज चला हुआ है, और हॉर्नेट में पहले से भी फेट आता था। और फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको MRF के टायर मिलेंगे, 110x70x17 सेक्शन में आपको टायर देखने को मिलेगा। और इस साइड में अगर हम देखें तो ये आपका स्टैंड का हो गया है, आपको साइड स्टैंड और डबल स्टैंड दोनों देखने को मिलेगा, और ये आपका हो जाता है गियर का। अगर आप बैक की तरफ चले तो यहाँ से आप इसके सीट को ओपन कर सकते हैं, बैक में दिया हुआ है। ये हो गया सेफ्टी के लिए, जो रियर के पिलियन जो बैठेंगे उनके लिए ये हैंड से पकड़ने के लिए सेफ्टी के लिए दिया गया है। आपको इस बाइक में 590 mm का सीट हाइट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। मैक्सिमम बाइक में जो सीट हाइट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये हो गया फ्रंट का सीट,
और इसका कुशन भी अच्छा दिया गया है, और रियर के लिए भी जो पिलियन होंगे उसके लिए भी अच्छा है, पर फ्रंट वाले से थोड़ा सा हार्ड इसमें कुशन दिया गया है। तो ये हो गया आपका फ्रंट नंबर प्लेट के लिए। ये आप सामने का फेंडर गार्ड देख सकते हैं। जो रिफ्लेक्टर दिया गया है वो आपको फ्रंट में यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है। अभी मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस जो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लाइट है तो देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टर हो गया। अभी ऑफ करने पर देखिए ये ऑफ हो गया। तो आपको ये इस तरह का रिफ्लेक्टर दोनों साइड में देखने को मिलेगा, तो फ्रंट में ही दोनों साइड आपको इस साइड में भी रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और बैक में आपको रिफ्लेक्टर तो नहीं दिया गया, बैक में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, ये साइड वाला आपको रिफ्लेक्टर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये साड़ी गार्ड का जो लगाया जाता है उसका ये क्लैंप है साड़ी गार्ड के लिए, और यहाँ पे मड गार्ड के लिए ये ही मड गार्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिम बैक का। तो दोस्तों इस बाइक पे एक बार बैठ के मैं इसके कंफर्टेबल का चेक कर लेता हूँ। जो इसका आप राइडिंग पोजीशन देख सकते होंगे काफ़ी ये मतलब सही राइडिंग पोजीशन है, ये इस तरह का झुका हुआ नहीं है जिससे आपके हाथों में या कमर या बैक वगैरह में पेन ना हो। तो कंफर्टेबल वाइज तो ये काफ़ी अच्छा है, सीधा है, बुलेट वाले जो फील हो सकता है आपको इसका जो कंफर्टेबल दिया गया हैंडलिंग का। तो जैसा देख सकते हैं मैं सीधा बैठा हूँ, ये डबल स्टैंड पे इसलिए बाइक आपको हिलता हुआ नज़र आ सकता है। एक बार मैं स्टैंड से भी उतर के देख लेता हूँ कि इसका कंफर्टेबल कैसा है, तो आपको भी उस तरह के तरीके से आइडिया हो सकता है कि किस तरह का सिटिंग पोस्चर मिलने वाला है। जो पैर है वो नीचे ज़मीन पे, और राइडिंग जो पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं एक बार में थोड़ा डिटेल्स में कवर करने की कोशिश कर लेता हूँ। आपको इस बाइक में 84 cc का इंजन देखने को मिलेगा जो BS6 मॉडल में FI इंजन के साथ आता है, और इसका फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर का दिया गया है। और आपको इसमें फुल्ली डिजिटल LED वगैरह इंडिकेटर वगैरह सारा फुल्ली डिजिटल देखने को मिलेगा, और कंसोल में आपको बेसिक जो डिटेल्स होते हैं वो देखने को मिलेगा, RPM, क्लॉक, फ्यूल इंडिकेटर, क्लॉक, ABS, सारा न्यूटन मीटर, जो सारा बेसिक डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये भी आपको इसमें मिलेगा। और इसमें आपको एक न्यू फीचर ऐड किया गया है जो हैजार्ड लाइट, जो पहले बाइकों में नहीं आता था पर अभी BS6 में मैक्सिमम बाइक में आ रहा। आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 में भी हैजार्ड लाइट देखने को मिलेगा, जो आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। एक चीज़ का इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आपको थोड़ा माइंड में लग सकता है। बाइक का जो कार्ब वेट है वो 142 kg में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा। इसका आप एक बार हॉर्न का साउंड सुन लीजिए, तो हॉर्न सिंगल हॉर्न है पर काफ़ी लाउड हॉर्न का आवाज़ है। आप इसका जो चेन देख रहे हैं ये आपका फिक्स चेन इसमें दिया गया है, जो पहले लॉक सिस्टम आता था वो नहीं आएगा। और ये जो चेन देख रहे हैं दोनों के जो इसके लॉक है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड में, बहुत साइड में आपको रबड़ है, रबड़ दिया गया जो कि काफ़ी नया और कम ही बाइकों में ये देखने को मिलता है। कुछ नया ट्राई किया गया है यहाँ पर चेन है, जो पहले आपको दिक्कत आता था कि आपके बाइक में आवाज़ या जल्दी घिस जाता था, चेन जल्दी ख़राब हो जाता था, तो वो चीज़ आपको अब इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको चेन में बोथ साइड में आपको रबड़ दिया गया है जिससे घर्षण नहीं होने वाला है। तो आपका जो चेन स्पॉकेट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जाने वाला है, और जो आवाज़ करता था पहले चेन सूख जाने पे या लूज हो जाने पे, तो वो प्रॉब्लम आपको इस बाइक में कम ही होने वाला है क्योंकि इसमें दोनों साइड में रबड़ दिया गया है। तो एक ये नया फीचर इसमें ऐड किया गया है।